Neymar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. MM Jewelers, Gold, Silver and Diamonds. Beside Model Basic School, 5 Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मुस्तखर के शालीमार गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाक़िदा वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ मुनाक़िदा एहतजाजी जलसे में मुकामी रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का एक ही मौक़िफ़ है, हम इस वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि वक्फ कौंसिल सेंट्रल और वक्फ रियासती कौंसिल जिस तरह अब तक रहा है उसको उसी तरह रहना चाहिए, इस पर मुकम्मल मुसलमानों का ही कंट्रोल होना चाहिए, यही कांग्रेस का मंशा है। जिस तरह तिरुपति मंदिर की कमेटी में कोई मुसलमान नहीं होता और क्रिश्चियन कमेटी में कोई मुसलमान नहीं होता, उसी तरह वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम को शामिल करना मुसलमानों का हक छीनना है। कांग्रेस इस जायज हक के छीनने के खिलाफ है। उन्होंने मुसलमानों को तयखुन दिया कि इस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बाहर भी एहतजाज किया जाएगा और पार्लियामेंट में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये जलसे में आए हुए हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे सीनियर MP मल्लू रवि साहब, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल साहब और हमारे चेयरमैन आनंद गौड़ साहब, वाइस चेयरमैन शबीर अली साहब और MIM पार्टी के हाजी साहब और हमारे कॉर्पोरेटर्स, स्टेट लीडर्स और यहाँ आए मेरे भाई बंधु और अनवर पाशा साहब और सब जो स्टेज पे बैठे हुए सबको मेरा सलाम। हमारा कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस का एक ही स्टैंड है, हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं इस बिल का, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। इसमें भी ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स हमारे बैरिस्टर साहब बताएंगे और हमारे जो अभी बात किया तो पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर साहब है वो पूरा कुल्ला कुल्ला बताया, तो उसमें मैं न जाते हुए दो लॉज में कहता हूं, जैसा वक्फ काउंसिल में जो सेंट्रल का होता है और स्टेट का होता है उसमें अभी तक जैसा है मुस्लिम ही उसमें मेंबर्स होते हैं और वक्फ जायदाद का एडमिनिस्ट्रेशन उसके कंट्रोल में रहता है, वही रहना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। ये मैं स्टेज में नए दिन से बोल रहा हूं क्योंकि तिरुमला तिरुपति देवस्थान बोर्ड में नॉन हिंदूस नहीं रहते, वो टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में रहता है और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज जो अपने चर्च को चलाते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्रिश्चियन ही रहते हैं, तो ये हक क्यों छीनना अपने माइनॉरिटी भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। जरूर बाहर भी इस बिल के लिए बिल के विरोध में लड़ेंगे और हमारे MPs जो है हमारा पार्टी पार्लियामेंट के अंदर भी इस बिल के जबरदस्त विरोध करेगा, इसका हम सब तैयारी में है और पहला ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जो हमारा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हैदराबाद में इंटेलेक्चुअल्स का मीटिंग लगा के सबसे पहले इस बिल को क्यों हम विरोध कर रहे हैं सबको बताने का कोशिश हमारा वक्फ बोर्ड जो चेयरमैन साहब है और दूसरे मेंबर से वो किया है, तो हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। उसके हिसाब से जहां भी आपका जलसा होता है महबूब नगर में मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, ये सोचते हुए टाइम भी बहुत हो गया इसलिए मैं
आपसे अलविदा मांगता हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।